do not build on this earth, Hazrat Isa ka fatwa hai, then do not build anything on this earth, because this earth is like a bridge. You have to just cross over it. You do not have to build on it. ये है असल में मिसाल इस दुनिया की है. तो इस हंसते हैं फरिश्ते जो घर बनाते हैं, हंसते हैं उनके ऊपर फरिश्ते. घर का क्या है, सारा उम्र पैसा लगा लिया, घर बना लूँ मैं, घर बना लूँ. तो आखिरत में क्या करना है भाई, आखिरत का भी तो कुछ सोचो. नहीं जी, हम बड़े नेक साहब हैं, हाजी साहब भी हैं, ये हज भी करके आए थे, ये फलानी जगह भी कहते हैं, लेकिन घर भी तो बनाना होता है, फलानी भी तो होना होता है, ये भी तो होना होता है. होना तो सब कुछ होता है. चाइना के अंदर मुसलमानों का भी कटना होता है, बर्मा में औरतों के पिस्तान काटना भी होता है, फिर सीरिया के अंदर भी बच्चियों का जो है औरतों का रेप होना भी तो ज़रूरी है, जो वो रोती हैं कि हमें कम से कम जो है बंदूक की गोलियां तो मर्द हमें लाकर नहीं दे सकते, हमें जो हमल गिराने वाली गोलियां दे दो ताकि हमारे हमल तो गिर जाएं. ये भी होता है, हर चीज़ तो होती है. फलानी कलमा भी हमने पढ़ा होता है, हमने हर चीज़ होता ही है, बस होते से ही हम होते होते करके आज हम इस मुकाम पर पहुँच गए हैं. वो इंसान ही क्या जिसकी लाइफ का मकसद है रोटी कमा लेना, पैसे कमा लेना, घर बना लेना, अपने बच्चों को परवरिश देकर बड़ा करके मर जाना. वो इंसान का पर्पस क्या, वो मर्द का पर्पस क्या है, ये मर्द क्या है, मुझे बताएं तो सही ना. सबने यही करना तो फिर क्या होगा, हमारा हम सबका हाल क्या होगा. कम से कम फिक्र तो करो यार, दूसरों के लिए जीना सीखो, अपने लिए जीते रहोगे, अपने लिए बस, अपने दिन रात दिन. नहीं जी, हमारे दिल में एहसास बहुत है. एहसास से क्या होता है, एहसास तो फिर सब बंदे कह ले एहसास है. अमली क्या तुमने किया, कुछ भी नहीं किया, जीरो. हम अमली जीरो है सारे, इंक्लूडिंग मी. तो हमें यही हम अक्सर लोगों को बताओ, अपना एटीट्यूड तो सही करो यार, कम से कम एटीट्यूड ठीक करो, रिजल्ट छोड़ो अल्लाह के ऊपर, होना है क्या नहीं होना, कम से कम एटीट्यूड तो सही करो, फिक्र करो. जदीद निज़ाम तालीम से लोगों को एजुकेट करो, भाई इस्लाम निज़ाम है, चलो जाओ काम करो, पुरानी बातें हमारे साथ मत करो. हमें पता है ये सारा कुफार इस्लाम निज़ाम का नाम है. किसान होना, छोटा किसान जो अनपढ़, चिट्टा अनपढ़ हो, वो भी कहिए इस्लाम निज़ाम है यार, मजहब की बात ना करो हमारे साथ. इतना होना चाहिए हर एक के अंदर कि साहब वो यहूदी बच्चा बच्चा गरकत का दरख्त जानता है, वो बच्चा बच्चा जो यहूदी का वो जानता है कि दज्जाल कौन है, तो हमारे किसान क्यों नहीं जानते, हमारे जो देहाती के लोग, देहात के लोग क्यों नहीं जानते.